जब एमबीटी आया, मोहम्मद बिन तुगलक आया, तुगलक वंश का राजा, उसी समय विजयनगर, यहाँ साउथ में आपका एक विजयनगर और बामनी साम्राज्य, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, आप हमारा मेरा जो लेक्चर देखोगे एमबीटी का जो मैंने पढ़ाया है, तो वो आक्रमण जब करने आता है, चाहे आपको मैं बता दूं, जब गयासुद्दीन तुगलक जब मैंने पढ़ाया था उस समय एमबीटी आपका कहाँ, आपका वारंगल पे आक्रमण करने आता है, तो जहां वारंगल पे जब आक्रमण करने आता है उसी समय मैंने जिक्र किया था कि आपका ये विजयनगर और कौन सा बामनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये नॉर्थ के समय में, समकालीन में अगर कहोगे तो ये एम्पायर जो है आपका तुगलक वंश के समय का था, और ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा कर्नाटक, यहाँ तमिलनाडु और पूरा ये लास्ट में जितना ये पोर्शन है ये सब विजयनगर का है। चलिए देख लेते हैं आगे, इसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, और आगे इसके जो पॉइंट हैं, जो फैक्ट हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड मैं पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाने की जरूरत है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वही हमें देखेंगे। देखिए 1336 में, ठीक 1336 में, क्योंकि आपका 20 से 1320 से 25 आपका किसका पीरियड होता है, गयासुद्दीन तुगलक का होता है, तुगलक वंश की स्थापना करता है 20 में। ठीक, उसके बाद से आपका 25 से आपका 51, ठीक है 1325 होता है, और 25 से 51 तक आपके एमबीटी आते हैं, और 51 से 87 तक बोला जाता है आपके फिरोज शाह तुगलक रहते हैं। और उसकी इसमें देखो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, कहाँ होती है, दक्षिण भारत में होती है। ठीक, उसके बाद से दक्षिण भारत के जो ये तुगलक वंश था, इसके जो राजनीति करने का शासन जो था, इसकी धार्मिक नीतियों के कारण, इसकी आर्थिक नीतियों के कारण जो है ये साउथ में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, उनके विद्रोह उनका करने के लिए ये एक नया साम्राज्य बनता है। ठीक, देख लेते हैं होता क्या है। संगम एक राजा थे, उनके पांच पुत्र थे, उन पांच पुत्रों में से जो मेन पुत्र दो थे आपके, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये लोग इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 में, और ये हरिहर और बुक्का एक तरह से संगम के जो पुत्र थे, जो संगम वंश वाले थे, ये लोग काकतिया वंश जो वारंगल में था, मैंने बताया था जो एमबीटी गयासुद्दीन के टाइम में एमबीटी आपका वारंगल पे अटैक करने आता है, उस समय वहां कौन सा वंश होता है, काकतिया वंश होता है, उसी के सामंत के रूप में ये लोग काम करते थे। फिर बाद में वहां से ये लोग शिफ्ट होकर आपके कांपली एक जगह है कर्नाटक में, वहां आ गए। ठीक है, और उसी समय क्या हुआ, नॉर्थ में आपके गयासुद्दीन तुगलक का भांजा बोल सकते हो, जिसका नाम था बाहुद्दीन गुरसाब, इसने क्या किया, एमबीटी के खिलाफ विद्रोह पैदा कर दिया। जैसे वो राजा बना तो इसने विद्रोह पैदा कर दिया, बोला ये राजा बनने लायक नहीं है, और ये भाग कर कहाँ चला आया आपका, आपका ये भाग कर यही कांपली जो जगह है वहां पे चला आया। ठीक है, और यहीं पे कौन थे आपके विजयनगर एम्पायर के ये दो हरिहर और बुक्का लोग, क्या कर रहे थे, कांपली पे काम कर रहे थे। ठीक, तो जब एमबीटी ने यहाँ सैनिक भेजा और एक कांपली जगह को पूरी तरह रौंद दिया, तबाह कर दिया, और उसी के साथ साथ इसे क्या किया, लेकर आया और इसकी चा जो है बोला जाए इसके शरीर से चाम खिंचवा के इसे मौत की सजा दे दिया, और पूरे दिल्ली में इसके शव को घुमाया गया ताकि ये पता चले दिल्ली वासियों को कि अगर कोई राजद्रोह करता है तो उसका सजा क्या होगा। ठीक है, तो ये भाई इनकी चैप्टर क्लोज हो गया। और साथ ही साथ जब इसे यहां से ले गया गया था कर्नाटक से, तो हरियर और बुक्का को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्हें भी कहाँ ले गया गया, दिल्ली ले जाया गया, और वहां पे इनसे जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला गया, और ये लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। फिर वहां से छूटने के बाद, आने के बाद ये लोग आपके साउथ में ज्ञान प्राप्त किए अपने गुरु से, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद 36 की बात है, 1336 में इन्होंने उस साम्राज्य का स्थापना किया विजयनगर का, और उसमें जो पहला वंश चला इन्होंने अपने पिताश्री के नाम से, जिनका नाम था संगम, उन्हीं के नाम से पहला वंश रखा, संगम वंश। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का पहला वंश अगर आपसे पूछे तो याद रखना हरिहर और बुक्का के पिताश्री के नाम पर पड़ा था संगम वंश। ठीक
ठीक है, अब एक एक करके देख लेंगे। इस साम्राज्य में चार राजवंशों ने 300 साल तक जो है शासन किया था। चार राजवंश आपके शासन करेंगे, पहला उसमें से कौन था? सबसे पहले संगम वंश था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां कुछ इस प्रकार रही, जैसे अनेगौड़ी, विजयनगर, बेन गोंडजा, चंदगिरी, ठीक है। और विजयनगर इस समय जो है आपका हम्पी के नाम से, कर्नाटक में जो हम्पी है वही आपका विजयनगर था। जो हम्पी है कर्नाटक में आप देखते हो वही आपका क्या था? विजयनगर था। हम देख लेते हैं कौन कौन से ये चार राजवंश थे। देख लो, एक तो संगम राजवंश था जिसे हरिहर और बुक्का ने 1336 से 1485 के तक राज किया था। उसके बाद से आया सालू वंश, नरसिंह सालू इसके राजा थे, जो 85 से लेके आपके 1485 से लेके 1505 तक थे। उसके बाद आया तुलु वंश जिसके वीर नरसिंह इसके राजा थे, 1505 से लेके 1570 तक ये वंश रहा। फिर आया आराविडु वंश जिसके तिरुमल या तिरुमाल जो हैं राजा थे, जो 1570 से लेके 1650 तक रहा। ये चार राजवंश आपके रहे। अब एक एक करके सभी राजवंशों के बारे में हम देख लेंगे। वैसे तो राजा बहुत थे, मगर हम इनमें से देखो, ये आपके संगम वंश है। संगम वंश में 12 राजा हुए, मगर 12 के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना। ये 12 राजा हुए हैं, इसमें हमें मेन मेन के बारे में पढ़ना है। सबका जो है आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, इसीलिए मैं बोला इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ना कि हमें पूरे साउथ की हिस्ट्री को जानने की जरूरत है। ठीक, चलो। तो इसमें जिसके जिसके बारे में पढ़ना है हम बता देंगे कि किसके किसके बारे में पढ़ना है। इसमें हुए 12 राजा। फिर आपके सालू वंश आया, तो इसमें एक दो और तीन राजा हुए। फिर तुलु वंश आया, इसके चार राजा हुए आपके, देख लो नाम, वीरन सिंह, ये सब मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, सब लिखा हुआ है। फिर आरविदु वंश आया, इसके आपके आठ राजा हुए टोटल। और आपका वो लास्ट वंश था कौन सा? आरविदु वंश। और उसी के लास्ट राजा अगर आपसे पूछता है कि विजयनगर का सबसे लास्ट जो है राजा कौन था, तो श्रीरंग थर्ड था। कौन था? श्रीरंग थर्ड। ठीक, आ जाते हैं। अब एक एक करके संगम वंश को पढ़ लेते हैं। इसमें जो मेन मेन राजा था उसके बारे में हम जिक्र कर लेंगे। संगम वंश आपका 36 से लेके 85 तक था। इस वंश में पहला जो आपका राजा बना वह हरिहर बना, क्योंकि विजयनगर की स्थापना उसी ने किया था और संगम वंश का नींव इसी ने रखा। और हरिहर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है आपका राज करता है और अपनी राजधानी अनेगौड़ी को बनाता है। ठीक है, उसके बाद से इसका भाई आता है कौन? बुक्का। ठीक है, बुक्का प्रथम आता है 1356 में। 1300 बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम क्यों रखा गया? क्योंकि इसके बाद भी हरिहर आपके सेकंड आएंगे, बुक्का सेकंड आएंगे, इसीलिए इन्हें प्रथम और इन्हें भी प्रथम रखा गया है। ठीक, तो उनका रोल कोई खासा नहीं है, उनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो बुक्का प्रथम ने 1356 से लेके 1377 तक जो है आपका विजयनगर का उत्तराधिकारी बना, और इसने 1346 में संयुक्त शासक के रूप में वहां पे शासन किया। उसके बाद से आ जाते हैं हरिहर द्वितीय, देख लियो, मैंने बताया था आपके 1377 से लेके 1404 तक ये राजा रहते हैं। ये हरिहर द्वितीय ने महाराजा अधिराज की उपाधि। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से एक कि विजयनगर अंपायर में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था, तो याद रखो वो कौन था? हरिहर द्वितीय, ना कि आपका हरिहर जो है प्रथम था। ठीक, तो कौन था? हरिहर सेकंड जो आपका था, जिसका शासन काल 1377 से लेके 1404 तक। ठीक है, ये आप बोल सकते हो फिरोज शाह तुगलक जिस समय था आपका, उस समय ये यहाँ पे साउथ में राज करता था। जहां पे आपके नॉर्थ में दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक जिस समय शासन करता था, उसी समय दक्षिण में हरिहर द्वितीय जो है राज करता था, और इसी ने अपने आप को महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था। उसने कनरा, मैसूर, त्रिचनपल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीतकर और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था। ठीक है, इसीलिए इसे थोड़ा पढ़ा जाता है। इसने क्या किया है, ये मैसूर को, त्रिचंपल्ली को, कांची को अपने प्रदेश में मिला लिया, और साथ ही साथ श्रीलंका के राजा से संधि करके वहां से क्या लिया, राजस्व जो है लेता रहता था। आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं देवरा प्रथम के बारे में, जो 1406 से 1422 के आसपास आए। ठीक है, 1406 में ये राजा बने,
और उसी समय आपके फिरोज शाह बामनी के आक्रमण हुआ इनके शासनकाल में। बामनी साम्राज्य के राजा थे फिरोज शाह बामनी, ठीक, इनका आक्रमण हुआ और इस बामनी शासक के हाथों उसकी हार हुई। और उसे हार के बदले में जो बामनी साम्राज्य के राजा थे उनको क्या देना पड़ा, मोतियां देने पड़े, पैसे देने पड़े, 10 लाख जो है इन्हें हर्जाना देना पड़ा था, ठीक। उसके बाद से वो बामनी साम्राज्य वाले इन्हें छोड़े इस संधि पर करार करके। उसके बाद से आते हैं आपके देवराय सेकंड। देवराय प्रथम के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद से देवराय सेकंड आते हैं 422 और 446। आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछेगा वो ध्यान रखो। जैसे बोलेगा कि आपका पहला क्वेश्चन उठेगा कि बामनी साम्राज्य जो था उसका पहला आक्रमण विजयनगर पर किसके शासनकाल में हुआ, तो ध्यान रखना देवराय प्रथम के शासनकाल में हुआ। और दूसरा मैंने इससे पहले बताया महाराजा अधिराज की उपाधि किसने लिया था, तो आप बोल सकते हो हरिहर जो सेकंड था उसने लिया था, ठीक। देवराय द्वितीय के बारे में देख ले, इस वंश के सबसे महान बोल सकते हो शासक थे। अगर पूछा जाए कि संगम वंश के सबसे महान शासक कौन था, तो आप बोल सकते हो देवराय सेकंड था। ये पूछता भी है कि महान शासक बताओ किसके, संगम वंश के। आ जाओ उसके बाद अगला देख लो, मल्लिकार्जुन 46 से 65 के बीच में थे, ये 1446 से और 1465 के बीच में थे। उसके समय में उड़ीसा और बामनी राज्यों के विजयनगर पर आक्रमण किया गया, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा के जो राजा थे और बामनी साम्राज्य के जो राजा था इसके शासनकाल में क्या हुआ था, उनका आक्रमण हुआ था। और यही आक्रमण के चलते विजयनगर में जो संगम वंश है एक तरह से धीरे धीरे क्या होता, क्योंकि जब आक्रमण होता था ना इनका, तो इनके साथ संधि होती थी और संधि में क्या होता था, दूसरा जो ताकतवर होता था वो कहीं ना कहीं आपसे पैसा और राजस्व चाहे जो भी होता था वो आपसे ले लेता था, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो साम्राज्य होगा वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। इसी तरह क्या हुआ, यहां से जब राजा ढंग के नहीं रहे, देवराय द्वितीय के बाद कोई महान राजा नहीं बना, तो इनमें जब आक्रमण हुआ तो ये लोग अपना जो भी राजस्व इकट्ठा था वो उसी में से उनको देते गए और इस तरह इनका जो है वंश जो है कमजोर पड़ता चला गया। उसके बाद से आपके राजा बने विरूपाक्ष द्वितीय, 65 से लेके 85 तक थे, इस वंश के अंतिम शासक थे। याद रखना जहां से क्वेश्चन पूछेगा कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये याद रखना विरूपाक्ष द्वितीय था, जो 65 से लेके 85 तक शासक किया था, ठीक। उसके बाद से आपका दूसरा वंश शुरू हो जाता है, वो कौन सा है, आपका सालु वंश, ठीक है। इस वंश का जो टाइम पीरियड है 1485 से लेकर 1505 तक रहता है, ठीक, 1485 से लेकर 1505 तक रहता है। विजयनगर में व्यापक अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक सामंत ने, ठीक है, उसी संगम वंश के एक सामंत था, जब देखा कि इसकी स्थिति चरमरा रही है संगम वंश की, तो इसने अपने हाथों में बागडोर संभाल ली और वहीं पर नरसिंह सालू ने 1485 में सालू वंश की स्थापना की और राज सिंहासन पर बैठा। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक सालू नरसिंह था, यह आपसे पूछ सकता है सालू वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो यह कौन था, नरसिंह था, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इसने क्या किया, अरब से जो है अच्छे संबंध रखे और उनसे जो है आपके बहुत शक्तिशाली जो घोड़े, बहुत तेज तरार घोड़े थे, उनको मंगाया कि आप जो है हमें बहुत शक्तिशाली जो आप में के पास घोड़े हों, जो तेज दौड़ते हों, उन्हें दे दीजिए हमें, उन्हें सैनिकों में जो घुड़सवार सैनिक हैं उनमें उन घोड़ों को भर्ती करना है, तो वहां से इन्हें मिला। और साथ ही साथ सालू नरसिंह ने अपने जो पुत्र था सबसे छोटा उनका, उसके संरक्षक के लिए एक नरसा नायक को नियुक्त कर दिया, ठीक है, नरसा नाम के नायक को नियुक्त कर दिया। और ये नरसा जो था आपका वो क्या करता है, इनके खिलाफ विद्रोह करके जो है सत्ता अधिकार कर लेता, कहाँ का, नियनगर एक जगह है आपका, कहाँ पे, आपके कर्नाटक में नियनगर एक जगह है, वहां का सत्ता ये हासिल कर लेता है। और इनका जो पुत्र रहता है जिसका संरक्षक इन्हें बनाया गया रहता है, उसको क्या करता है, ये ले आके किले में नजरबंद कर देता है, कहाँ के किले में, पेनुकोंडा के किले में। ये सब नाम आपको अलग अलग लग रहा होगा, सोच रहे सर कहाँ पढ़ा रहे हो आज, क्योंकि साउथ में हो तो नॉर्थ इंडियन तुम लोग,
और साउथ की हिस्ट्री पढ़ने लगोगे, ना कोई जगह के बारे में पता है, ना नाम के बारे में, कोई कोंडा, कोई गुंडा, कोई कुछ ऐसे रहेंगे आपके नाम। तो कुछ मैं ध्यान रखना, मैं जहाँ फोकस हूँ बस उसी को ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा शालू वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो याद रखना नरसिंह था, इतना याद रख सकते हो। तो बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। नरसिंह का जो लड़का था उसका नाम था इमाड़ी नरसिंह, ठीक है, आगे एक और लग गया। ऐसे जब जाओगे साउथ में ना, तो अपना जो नाम पीछे रखते हैं उसके पास अपने पापा का, अपने दादा का, अपने परदादा का नाम आगे रखे रहते हैं, ठीक। तो ये हुआ, इसको नजरबंद कर दिया इसने, और चोल, पांड्या और चेर इसी के समकालीन में थे ये लोग, इनको क्या किया, इन पर आक्रमण करके अपने जो है तरफ कर लिया। जो कौन, जो ये था आपका, जिसके संरक्षक के लिए शालू वंश के नरसिंह ने जो इन्हें सौंपा था, उसने अपना दिमाग लगाकर क्या किया, ये नरसा नायक ने इन सबको, चोल, पांड्या और चेर राजाओं पर आक्रमण करके इन तीनों शासकों को विजयनगर की जो प्रभुता जो है उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और अपने स्ट्रांग बन गया, ठीक है। अब उसी के बाद जब ये इतना स्ट्रांग हो गया, जब इनकी सहायता मिल गई, तो अब क्या करेगा, आपके जो शालू वंश हैं उनका जो है तमाम काम तमाम हो जाएगा। तो 1505 की बात है, नरसा नायक ने के पुत्र जो है, नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह, इसने क्या किया, जो शालू नरेश थे, नरेश कौन बना, उसके पिता जब मरे हैं नरसिंह के, तो उसका जो पुत्र था जिसके संरक्षण तो कौन थे, नरसा नायक थे, जिसका नाम था इमाड़ी नरसिंह, उसकी हत्या करके नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नए साम्राज्य की, एक नए राजवंश की जो स्थापना की। वो राजवंश कौन था, तुलुवरा राजवंश था। कौन सा राजवंश था, तुलु राजवंश, ठीक। जिसका समय, टाइम पीरियड याद रखो, आपसे यहां से क्वेश्चन आता है जो मैंने पढ़ाया, संगम, ठीक है, सालू, तुलु राजवंश, तो इनका टाइम पीरियड याद रखो, क्योंकि एक तरफ यहां दे देगा राजवंश, ठीक है, और दूसरा तरफ आपका टाइम पीरियड दे देगा और पूछ लेगा मैचिंग में कि कौन सा आपका मैच है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसके चांसेस होते हैं। बाकी आपका डिटेल ये नहीं पूछेगा कौन किसको मार दिया, कौन किसको नहीं मारा, ठीक, याद रखो। तो तुलु वंश की जो है स्थापना करता है वीर नरसिंह, ठीक, इसका संस्थापक होता है और ये गद्दी पर विजयनगर के बैठता है। वीर नरसिंह के इस जो है काम से क्या होता है, पूरा संपूर्ण विजयनगर की जो जनता होती है वो क्या करती है, विद्रोह पैदा कर देती है, उनमें असंतोष पैदा हो जाता है, ठीक है। और वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में विद्रोहियों से लड़ते लड़ते जो है अब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक। उसके बाद से इसके मृत्यु के बाद 1509 में इसके मृत्यु के बाद इसका जो छोटा भाई अनुज आता है, कृष्णदेव राय, जो इतिहास में अपना नाम, अपना छाप छोड़ जाता है। और इसी के बारे में, कृष्णदेव राय के बारे में ही हमें क्या है, आपको जिक्र मिलता है कहाँ पे, बाबरनामा में, बाबर ने खुद ही जिक्र किया है कृष्णदेव राय का, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं तुलु वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे उनके बारे में आ जाए। तो पहले देखें उनके अनुज आपके वीर नरसिंह के कृष्णदेव राय थे, ये 1509 से लेके 1529 तक, और बाबर का टाइम पीरियड क्या था, 1526 से लेके 1530 तक। क्यों, यही तो था, 26 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ और 30 में बाबर स्वर्गवास हो गया। तो उसी समय आपके जो बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय के बारे में जिक्र किया कि बहुत ही साहसी राजा थे, कहां के, विजयनगर अंपायर के, तो इन्हीं का जिक्र बाबरनामा में मिलता है। अब देख लेते हैं अब इन्होंने क्या किया, क्या क्या इतिहास रचा, इसीलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल है। उड़ीसा के गजपति नरेश, ठीक, साम्राज्य के पूर्वी और उदयगिरी के क्षेत्रों का अधिकार कर लिया था, ठीक है। विजयनगर जो साम्राज्य था उसके इस साम्राज्य पर, उदयगिरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, कौन, उड़ीसा के जो है राजा जो थे। उसके बाद से आपके बीजापुर और पुर्तगाली जो थे वो भी किस पे, विजयनगर पर अधिकार करना चाहते थे। ये सब समस्या थी किसके सामने, कृष्णदेव राय के सामने। तो उन्होंने क्या किया, इन सब समस्याओं को देखते हुए अपने सैनिक को तैयार किया और 1513 में क्या किया, गजपति जो थे आपके उड़ीसा के शासक थे उन पर आक्रमण कर लिया और उनको अपने
तहत जो है मिला लिया और 1520 में बीजापुर पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके किसके अधीन कर दिया, अपने अधीन कर दिया। मतलब अब ये लोग विद्रोह नहीं करेंगे। इन्होंने कृष्णदेवराय ने अपने ताकत का जो है इन्हें अनुमान दिखा दिया कि मैं इतना ताकतवर हूं, तुम लोग विजयनगर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। ठीक, उसके बाद से कृष्णदेवराय ने बीदर आपका जगह है, ठीक है, वहां पर और गुलबर्गा, ये भी कहां जगह है, दोनों बीदर और गुलबर्गा जो है ये भी कर्नाटक में है और दोनों के बीच में 110 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कर्नाटक का ही दोनों शहर है और 110 किलोमीटर के डिफरेंस पे हैं ये दोनों। पर आक्रमण करके वहां पर जो बामनी साम्राज्य के आपके सुल्तान थे, कौन, महमूद शाह, उनको आजाद कराकर फिर से क्या किया, बीदर की राजगद्दी पर आसीन कर दिया। बीदर को इसने जीत लिया था और वहां पे किसी को किसी ने बैठाना था, तो इसने क्या किया, जो बीजापुर बामनी साम्राज्य के सुल्तान थे महमूद शाह, जिन्हें कैद किया गया था कहां पे, बीदर पे, उन्हें क्या किया, रिहा कराकर बीदर का ही राजा घोषित कर दिया। उसके बाद से कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों के साथ संबंध अच्छे रखे। इसने कहा कि पुर्तगालियों से कि अगर चैन से रहना, व्यापार करना है तो ये ध्यान रखो कि तुम लोग बीजापुर के लिए कुछ नहीं करोगे, जो भी होगा जितना भी घोड़े वोड़े देना होगा बीजापुर को नहीं दोगे, वो किसे दोगे, सिर्फ विजयनगर अंपायर के लिए जो करना होगा वो करोगे, अगर तुमने इस संधि को तोड़ा तो समझ रखना कि तुम्हारी खैर नहीं। अब आ जाते हैं उनके बारे में, देख लेते हैं, वो अपने जो है समय काल में एक किताब लिखे थे, खुद ही लिखे थे अपने बारे में, अपने शासन के बारे में, अपने अर्थव्यवस्था के बारे में, वो कैसे चलाते थे, उसे ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो याद रखना उस किताब का नाम क्या था, अमुक्त माल्याद। ठीक है, क्या नाम था, अमुक्त माल्याद। ठीक, इस ग्रंथ का नाम था जो तेलुगु में लिखा गया है और किसने लिखा था, तो याद रखना कृष्णदेवराय ने लिखा था। इसमें क्या क्या है बताया गया है, इसमें उन्हीं के शासनकाल में कैसे उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को, एक गिरी हुई अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके गए, अपने शासन के कितने अच्छे सुचारू ढंग से चलाएं, ये सब उनके बारे में लिखा हुआ है। और इन्हीं के इतने घर जहां कोई भी ढंग का राजा नहीं हुआ, इसे एक अच्छे जो है पदवी पर ले गए, अच्छी जगह पर ले गए विजयनगर साम्राज्य को, इसी कारण इन्हें जो है अभिनव भोज की उपाधि दी गई थी। और साथ ही साथ ये इन्हें जो है एक बोला गया कि इनका जो युग था कृष्णदेव राय का, एक क्लासिकल युग था। ठीक, आ जाते हैं और देख लेते हैं डिटेल इनके दरबार में। ये भी आपसे पूछता है कि किसके दरबार में, विजयनगर अंपायर में 8 महान विद्वान या कवि रहते थे, जिसे हम क्या कहते थे, अष्ट दिग्गज कहते थे। ठीक, तो अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में होते थे भैया, कृष्णदेव राय के। ठीक, तो याद रखना ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे, वो अष्ट दिग्गज में और कोई नहीं, 8 कवि और 8 विद्वानों का एक ग्रुप रहा। ठीक, तो ये कृष्णदेव राय के समय में थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में सबसे जो है प्रमुख कवि जो था, जिससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो सबसे महान था उसमें, वो कौन था, पेडाना था। कौन था, पेडाना। पेडाना का नाम याद रखना कि पेडाना जो है उन आठों में सबसे प्रमुख था। ठीक, जिसे संस्कृत का भी ज्ञान था और तेलुगु भाषाओं का भी क्या था, ज्ञान था। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के निकट नगलापुर को अपना क्या, एक नगला, विजयनगर के जो है निकट में नगलापुर है, उस शहर की स्थापना कराया था। तो ये याद रखना, हो सकता है पूछ ले, वैसे चांसेस कम बनते हैं ये पूछने के। मैंने आपसे ये पूछ सकता है कि अष्ट दिग्गज वाला और इसका प्रमुख कौन है, तो ये याद रखना पेडाना था। और ये याद रखना कि अगर पूछता है तो नागलापुर एक जगह है विजयनगर के पास, उसे इसने बसाया था। आगे बढ़ जाते हैं। इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, इस पॉइंट को नोट आउट कर लो और इसे इंपॉर्टेंट समझो, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस, कौन, डोमिगो पायस इसी के शासनकाल में आया था और इनके बारे में काफी अच्छा खासा लिखा है। इसने कहा है कि विजयनगर जो शासन था, जो साम्राज्य था, ये रोम के जैसा था। ठीक, ऐसा इसने बताया है अपने किताबों में। चलो आगे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के समय में ही दूसरा एक पुर्तगाल यात्री आया था, जिसका नाम डुआर्ट बारबोसा था। क्या नाम था, डुआर्ट
बारबोसा, इसे पॉइंट करके लिख लो। पहला पॉइंट क्या करके लिखो, पहला यात्री आया उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका कौन सा था, डोमिगो पायस, याद रख लियो क्या था, डोमिगो पायस। इसने विजयनगर साम्राज्य को रोम साम्राज्य की तरह बताया था। दूसरा यात्री आया वो भी पुर्तगाल से ही था, उसका नाम था डुआर्ट बारबोसा, ये इन्हीं के शासनकाल में है। तो ये चीजें पूछ सकता है, इसलिए मैं इस पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इसको नोट कर लो जो भी किताब कॉपी लेके बैठे हो, ठीक, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे देख लेते हैं, कृष्णदेव राय ने बंजर भूमि और जंगली भूमि पर जो है क्या खेती करने के लिए जो है सभी को उकसाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके विजयनगर अंपायर में जो है बंजर भूमि और जो जंगल भूमि थी उन पर किसानों को खेती करने के लिए किसने कहा कि अगर आप लोग किसान जो है खेती करिए, जो भी हो सकता है मैं आप लोगों की मदद करूंगा, तो वो राजा कौन था, कृष्णदेव राय था। इसीलिए पूरे विजयनगर में सबसे महान राजा देखा जाए तो वो कृष्णदेव राय ही था। इसीलिए इसका जो जिक्र है आपको नॉर्थ में बाबरनामा जब लिखी गई थी तो उसमें बाबर ने इसका जिक्र किया था। आ जाइए अगला पॉइंट, उसने हजारा मंदिर, ये हजारा मंदिर कहाँ है भाई, ये भी कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में है। इसने बनवाया था वट्टल स्वामी मंदिर, ये भी बनवाया था, याद रखना हजारा और वट्टल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। ये दोनों जो मंदिर हैं आपके किसके हैं, वैष्णो धर्म के हैं, मतलब विष्णु भगवान के हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं अगले जो आपके राजा बनते हैं वो कौन है। वो है आपके अच्युत देव राय, 1529 से लेके 1542 तक थे ये। कृष्णदेव राय के 1529 में मृत्यु के बाद अच्युत देव राय उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं। इनके शासनकाल में कौन आता है, सबसे फेमस व्यक्ति पुर्तगाली आपका यात्री नूनिस जो है आपका इसी के शासनकाल में आता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है कि नूनिस किसके शासनकाल में आया था, तो नूनिस किसके शासनकाल में आया था, अच्युत देव राय के काल में आया था, ठीक है। इन्होंने क्या कराया था, महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी का जो है नियुक्ति कराई थी। किस नामक, महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति इन्होंने किया था। उसके बाद से आ जाओ भाई, अब कौन आता है, अब आते हैं आपके सदाशिव राय, आपके इस वंश के सबसे जो है सबसे लास्ट रूलर बोला जाए तो सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था। बोला इनको क्या कहा जाता है, जो सदाशिव राय थे जो 1542 से लेकर 1570 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। जिस समय आपका कौन था यहाँ पे, हुमायूं का शासनकाल आया था, उसी समय आपके सदाशिव राय जो हैं आपके साउथ में विजयनगर में राज कर रहे थे। और इन्हें कहा गया इतिहासकारों के द्वारा कि सिर्फ एक नाम मात्र के शासक थे, शासन करने वाला कौन था, और विदु डायनेस्टी का बोला जाए राम राय एक था, वही अपने हाथों में जो है ये शासन पूरा लिया हुआ था। इसी के शासन काल में जो है आपका क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना बच्चों, अगर लिख रहे हो तो इसे लिख लो। इस तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं, जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध, डायरेक्ट पूछ लेता है आपके वनडे एग्जामिनेशनों में कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि विजयनगर एम्पायर जो आपका इतना समृद्ध था, इतना आगे बढ़ रहा था, तो उसको देखकर बाकी आपके जो दक्कन में जो जितने सुल्तान थे दक्कन के, वो क्या हुए, उससे ईर्ष्या करने लगे कि ये कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। और पूरे दक्कन के जो हैं बोला जाए एक तरह से सुल्तान मिलकर विजयनगर पर आक्रमण करते हैं, वही तालीकोटा का युद्ध होता है। तो उसमें कौन कौन होता है, एक तरफ देख लो अहमदनगर का सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान, गोलकुंडा का सुल्तान और बीदर का सुल्तान, ये तीनों जगह आपके एक दो तीन और चारों जगह के आपके राजा जो हैं मिल जाते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये आपके जितने सूबे थे इनके राजा मिल जाते हैं। और एक साथ मिलकर
कि भैया अब हम अपने में दुश्मनी नहीं रखें, हमसे ताकतवर कोई और पैदा हो रहा है, वो कौन सा अंपायर है, वो विजयनगर अंपायर है, उसे हमें खत्म करना है। ये लोग गुट बना लेते हैं, भाई इतने लोग तो सैनिक तो ज्यादा होंगे ही, और ये आक्रमण कर देते हैं। और उस समय जब आक्रमण करते हैं, जब सोच सकते हो कि वहां का राजा जो है विजयनगर का एम्पायर का सिर्फ नाम मात्र का रहता है, और सब कुछ बागडोर जो है किसके हाथ में रहती है, वो आपके जो रहती है वो आपका रहता है राम राय के पास। ठीक, अब राम राय देखो क्या करता है इनके साथ, अब आगे पढ़ेगा। अब ये लोग मिलकर आक्रमण करते हैं, इनका मेन आक्रमण करने का ये रोल होता है, ये चाहते हैं कि विजयनगर का जो रायचूर, ठीक है, मृदोल आदोनी का जो किला है उसे इन्हें दे दिया जाए। लेकिन आपका जो है राम राय कहां मानने वाला, बोलता है नहीं हम नहीं देंगे, आओ युद्ध ही कर लो। तो फिर 23 जनवरी 1565 को पूरे संयुक्त सेना के साथ तालीकोटा जो जगह है आपका, वहां पर ये दोनों सेनाएं आकर भिड़ जाती हैं, और विजयनगर की सेना का बुरी तरह जो है क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है इस युद्ध में। और 70 वर्षीय राम राय इतने बूढ़े हो गए और युद्ध करने निकले थे, तो भैया बहुत बहादुरी से कहा जाता है लड़ता है और उसके बाद से ये मारा जाता है। ठीक, तो यहां से काफी मात्रा में ये जितने भी आपके अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के सरदार होते हैं, काफी मात्रा में धन दौलत ले जाकर जो है विजयनगर को एकदम खोखला बना देते हैं, और ये अपना जो चाहते थे वो हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद से विजयनगर पर जो अब नया वंश आया आपका, वो आया अरविंदु वंश। किसी तरह विजयनगर की स्थिति संभालते संभालते जो है अरविंदु वंश जो है आपका आता है। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो राम राय का भाई था तिरुमाल ने वैनुगोंडा, जिसे हम पेड़ुगोंडा के नाम से भी जानते हैं, ये आपका नाम है, जगह है, जो है एकदम हैरान न होना, ठीक, कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं सर, वैनुगोंडा पेनुगोंडा, ठीक, तो ये जगह है वैनुगोंडा, जिसे हम पेड़ुगोंडा के नाम से भी जानते हैं, उसे विजयनगर का क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक, ये राजधानी बनी। फिर 1570 में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव जो थे, सिर्फ नाम के थे, उनको क्या किया, हटा दिया, और अपना अरविंदु वंश का जो है स्थापना किया। वेंकट द्वितीय 1586 में वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठता है। पहले तो ये आपके आते हैं तिरुमाल, ये इनको हटाता है, और उसके बाद से वेंकट द्वितीय आते हैं 1586 में, ये वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठता है और चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाता है। कहां को, चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाता है। और फिर बाद में जो है, बाद में ये भी क्या करता है, पेनुकोंडा को ही अपना राजधानी बनाता है। पहले क्या करता है, कौन, वेंकट जो है, ये वेंकट, वेंकट नाम आपका साउथ में ही पड़ेगा, तो याद रखना, जो वेंकट था आपके अरविंदु वंश का था, और 86 में ये विजयनगर का शासक था, इसने क्या किया कि पहले अपना जो राजधानी कहाँ था, पेड़ुगोंडा था, उसको स्थानांतरित करके चंद्रगिरी लाया, फिर बाद में वहीं पर पेड़ुगोंडा में ही स्थापित कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं क्या किया इसने, इसे क्या कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम और महान शासक बनाया जाता है। क्या कहा जाता है इसे, इसे कहा जाता है विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंतिम और महान शासक कौन था, अगर ये पूछता है आपसे तो याद रखना वेंकट द्वितीय था। कौन था, वेंकट द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम और महान शासक था। आ जाए देख लें, और 1612 में, ठीक है, राजा ओएंडयार ने, किसने, राजा ओएंडयार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति से श्रीरंगपट्टनम को ही सूबेदारी जो थी उसको नष्ट कर दिया और मैसूर राज्य की स्थापना की। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की जो सूबे था, जो सूबा था, उसे नष्ट करके मैसूर राज की स्थापना किया था। किसने, 1612 में राजा ओएंडयार ने। ठीक है, वेंकट का स्पेन से जो राजा थे स्पेन के, कौन, फिलिप थर्ड, उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक बैठता था, पत्र व्यवहार होता था,
तो 1598 में वेंकट ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में क्या किया था, स्वागत किया था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और आपसे पूछता है, लास्ट में बढ़ जाते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं था, कि विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, लास्ट आपका अगर बोला जाए शासक कौन था, तो याद रखना लास्ट शासक आपका होता है विजयनगर साम्राज्य का, वो श्री रंग, कौन, श्री रंग आपका, श्री रंग थर्ड होता है, तीसरा, तो ये याद रखने लायक है चीज, बस और कुछ नहीं। श्री रंग थर्ड जो है आपका विजयनगर एम्पायर का आपका लास्ट रूलर होता है, और इस तरह आपके जितने भी विजयनगर एम्पायर में रूलर आए वो हो चुका है। ठीक, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नाम से, ठीक है, घबराना मत कि सर ने ये क्या क्या नाम पढ़ा दिया आज, आज तो निधि नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ जहां जहां मैंने पॉइंट किया, जिसे जिसे सर्किल किया, उस नाम को लिख लेना जहां नोट्स बना रहे होगे। ठीक, अब बाकी जो लोग इनरोल्ड हो उसको तो नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, तो वहां से सिर्फ वही चीजें पढ़ना जितना मैंने आपको फोकस में बताया है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले, आपके जो छोटे छोटे साम्राज्य हैं उनसे लेके आऊंगा, बामनी साम्राज्य आपका बचा है उसके बारे में जिक्र करेंगे अगले सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।